मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक यू ऑल इन द न्यू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ गीता ग्लोबल स्कूल सेशन 2021-22। माय नेम इज सुरभि भारद्वाज, आई एम योर मैथ्स टीचर एंड दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 मैथ्स। एंड वी आर कंटिन्यूइंग आवर एक्सरसाइज 2.6। हमने अभी तक कंप्लीट 2.5 कर ली थी, तो अब हम 2.6 से शुरू करते हैं। चलिए करते हैं। 2.6 में क्या है कि अगर हमें अपोजिट साइड में कोई डिजिट दे रखी है और हमें फ्रैक्शंस में भी अगर दे रखे हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन में ही है, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 8x-3/3x=2। अब ये जो 2 है इसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं। अब इधर 3 डिवाइड में है तो इधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ट्रांसपोजिशन करेंगे तो कर दिया हमने ट्रांसपोजिशन 3x/2, तो 8x-3=6x हो गया। अब x वालों को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, तो 8x-6x=, ये 3 इधर चला जाएगा, इधर क्या बचा 2x=3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, 9x/7-6x=15। तो जो इधर गया वो इधर कर देंगे, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 9x=15 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7-6x, तो 9x=15 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 105-15 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 90x। तो इधर क्या आया, अब x को एक तरफ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, इधर 9x, इधर माइनस का है 90, तो इधर प्लस का हो जाएगा 90x और 105। ये हो गया 99x=105। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 105/99। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 का डिवाइड चला जाएगा इसमें, तो इधर आया 35 और इधर आया 33, तो x की वैल्यू क्या आई 35/33। अब थर्ड वाली की जगह मैं डायरेक्ट फोर्थ वाला समझाती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 3y+4/2-6y=-2/5। ये क्वेश्चन आया हमारे पास। अब इधर डिवाइड में ये है तो इधर ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हम क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, 5 को तो इससे कर देंगे स्पीड डिजिट से और 2 को स्पीड डिजिट से कर देंगे, तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y+4 से और इधर -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2-6y से। इसको इधर ले जाएंगे ऊपर और इसको इधर ऊपर ले जाएंगे, करिए मल्टीप्लाई, 5 3 15y + 5 4 20, -2 को प्लस के 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 6 2 12y। अब कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, वेरिएबल्स को एक तरफ, 15y और इधर 12 प्लस का है, इधर माइनस का 12y हो जाएगा, इधर माइनस का 4 है, इधर प्लस का 20 है, प्लस का 20 है तो माइनस का 20 हो जाएगा, इधर क्या बचा 3y=-24। तो y की वैल्यू क्या आई 24/3, तो y की वैल्यू आई हमारे पास, सॉरी माइनस का है, y की वैल्यू आई -8। y की वैल्यू क्या आ गई 8। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला सेम ऐसा है, कहीं अंतर नहीं है फिफ्थ वाले में, तो सिक्स वाला करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द एज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन रेशियो 5:7। एक तो कौन है हमारे पास हरी और एक कौन है हैरी, रेशियो क्या है 5:7, तो एज कितनी मान लें हम इनकी 5x/7x। उसके बाद 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल बाद कर लेते हैं, 4 years आफ्टर, 4 साल बाद ये 5x+4 हो जाएगा और ये 7x+4 हो जाएगा, तो इसके बाद इनका जो एज का रेशियो वो कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है।
तो उनकी एज निकालनी है। तो हम रेशो, ये 3:4 है, इसे हम 3/4 भी लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर है, ये रेशो 5x+4, क्योंकि 4 साल बाद ये भी उन्हीं की एज है, 7x+4 ये भी उन्हीं की एज है, और ये भी उन्हीं की एज का रेशो है, ये रेशो भी इन्हीं का है और ये रेशो भी इन्हीं का है 4 साल बाद का। तो सॉल्व करते हैं इसे, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 5x+4 से, और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 7x+4 से। बस आगे सॉल्व करते हैं, 5 4 20x प्लस 4 4 16 इक्वल टू 7 3 21x प्लस 4 3 12। ट्रांसपोजिशन करते हैं x को एक तरफ, y को और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, इधर 20x, इधर 21 प्लस का है, इधर 21 माइनस का हो जाएगा, फिर इधर 12 प्लस का, इधर 16 प्लस का, तो इधर 16 माइनस का हो जाएगा। क्या बचा इधर, माइनस का x इक्वल टू माइनस का 4, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4, सिर्फ x की वैल्यू आई है। तो एज ऑफ हरी, हरी की एज क्या हो गई हमारी 5x, मतलब कि 5 × 4 इक्वल टू 20 ईयर्स। हरी की एज क्या आ गई 20 ईयर्स। अब एज ऑफ हैरी, हैरी की एज क्या है 7x, मतलब कि 7 × 4 मतलब 28 ईयर्स। जो क्वेश्चन बोल रहा था हमने वही किया है, लगातार हम वही करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है जिसमें इधर तो न्यूमरेटर आ जाएगा हमारा और इधर डिनोमिनेटर आ जाएगा। अब क्या है रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर। तो हमने न्यूमरेटर मान लिया x, तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, कितना ज़्यादा है ये न्यूमरेटर से, 8 ज़्यादा है, x/8 हमारा ये हो गया। इफ़ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। अगर न्यूमरेटर को हम बढ़ाएं, कितने से बढ़ाएं, 17 से, और डिनोमिनेटर को कितने से डिक्रीज करना है, 1 से, तो x प्लस 8 डिनोमिनेटर, इसको 1 से हमने सब्ट्रैक्ट डिक्रीज कर दिया, तो जो हमें नंबर मिलता है वो कितना मिलता है, 3/2 मिलता है। तो नंबर हमें निकालना है, इक्वेशन हमारे पास आ गई है, तो x प्लस 17 अपॉन x प्लस 8 माइनस 1 इक्वल टू 3/2। सॉल्व करते हैं इसे, तो x प्लस 17 अपॉन ये क्या हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा, 8 माइनस 1 इक्वल टू 3/2। अब क्या करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए करते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × x + 17 इक्वल टू 3 को इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × x + 7, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई, 2x + 17 × 34 इक्वल टू 3x + 7 3 = 21। अब वेरिएबल्स को एक तरफ, कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, 2x इधर प्लस का 3 है तो इधर माइनस का 3 ले जाएंगे, और इधर 21 और इधर माइनस का 34, तो इधर माइनस एक्स बचा, और 21 34 में से 21 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा, 13 माइनस का 13 बचा। अब इससे ये क्रॉस हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13। अब हमें रैशनल नंबर निकालना है, निकालना है तो x, ये तो हो गया न्यूमरेटर, तो हमारा आ गया क्या, आ गया x था तो वो आ गया हमारा 13, तो डिनोमिनेटर कितना था, x प्लस 8 था, तो 13 + 8 इक्वल टू 21, तो हमारा रैशनल नंबर क्या आया, 13/21। ये हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होती है, और 2.6 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट होती है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3 विच इज़ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।